बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई बाड़े बंदी नहीं है, सभी विधायक अपने क्षेत्र में हैं। विधायक दल की बैठक तय होते ही विधायक जयपुर आएंगे और विधायक ललित मीणा को लेकर सीपी जोशी बोले कि सभी विधायक अपने क्षेत्र में है। पर्यवेक्षक की नियुक्ति को लेकर सीपी जोशी ने कहा कि पर्यवेक्षक नियुक्त होते ही विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री को लेकर निर्णय और विधायक दल की बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, सब कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। देखिए, राजस्थान की जनता ने पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। स्पष्ट बहुमत की सरकार आई है, शीघ्र ही पर्यवेक्षक की नियुक्ति होते ही विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और बैठक के बाद आगामी सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी। सर, ये जी को बुलाएगा, इसका मतलब सब कुछ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है क्या सर? कोई गड़बड़ नहीं है। मैं भी राजस्थान की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करके आया हूँ। राजस्थान की जनता की ओर से उनको बधाई दे के आया हूँ, तो वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी की, तो वो भी विशेष नेतृत्व से मिलने गई। यहाँ पार्टी प्रमुख है, विचार के साथ कमल के निशान के आधार पर पार्टी को ध्येय को लेकर चलने वाले लोग हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई बाड़ेबंदी नहीं है। जैसे ही विधायक दल की बैठक तय होगी, सभी विधायक उसमें बैठेंगे। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, देखिए सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी नहीं है, सभी विधायक अपने क्षेत्र में हैं। तो बड़ा बयान उन्होंने दिया, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट? देखिए इंदु, कल से लगातार, परसों देर रात से कई घटनाक्रम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनमें कई बातें भी हैं और कई जो है वो कयास भी हैं और तो कई सोशल मीडिया की उपज भी है ओवरऑल, लेकिन घटनाक्रम लगातार चल रहा है। महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिल्ली में चल रहा है। जब वसुंधरा राजे कल देर रात दिल्ली के लिए रवाना हुई, तो उससे कई जो सवाल हैं वो पैदा होते हैं, तो उन सवालों का उत्तर जब सीपी जोशी से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ना तो कोई यहाँ ऐसी बाड़ेबंदी है। बाड़ेबंदी को लेकर लगातार बात की जा रही थी कि तीन चार पांच विधायक है वो एक ही जगह रुके, एक विधायक को लेकर आया गया संगठन के द्वारा, इस तरीके की बातें निकल कर आई, लेकिन उन सभी चीजों से इन्होंने इनकार किया है। सीपी जोशी का कहना है कि बाड़ेबंदी कहीं भी नहीं है, सारे विधायक अपने क्षेत्रों में है। कुछ विधायकों ने आज भी सीपी जोशी से मुलाकात की है जो सामान्य तौर पर आते हैं। तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जब दिल्ली गई है, तो इनका कहना है कि मैं भी बधाई देकर आया था राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है तो वो भी बधाई देने गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीनों राज्यों में बड़ी विजय मिली है। तो इस तरीके की बातें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है इंदु कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है और 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा सकती है, ऐसी संभावना है। फर्स्ट इंडिया न्यूज अपनी टीवी स्क्रीन पर यह खबर सबसे पहले चला रहा है कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ हो सकती है। जी ऐश्वर्य, पर्यवेक्षक की नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे ही नियुक्ति होगी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, तो उस पर भी जानकारी दीजिए। देखिए, पर्यवेक्षक की नियुक्ति के बाद ही विधायक दल की बैठक होती है। पर्यवेक्षक आते हैं, विधायकों को एक साथ बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनकी एक राय ली जाती है, सामान्य तौर पर राय ले ली जाती है। वैसे तो जो नाम है वो डिसाइड प्रधानमंत्री मोदी के स्तर पर हो चुका है। मैं पहले भी कहता आया हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे पास जो जानकारी है वो यही है कि प्रधानमंत्री अपना नाम डिसाइड कर चुके हैं, बस जो नाम है उसकी घोषणा होना बाकी है। घोषणा पर्यवेक्षक के मुख से करवाई जाएगी जब पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक लेंगे, क्योंकि चुनाव के वक्त या चुनाव के आसपास प्रधानमंत्री मोदी तमाम चीजों को यहाँ जानते थे, पूरे राजस्थान को उन्होंने खंगाल लिया, हर क्षेत्र का दौरा किया। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया, उसके बाद तस्वीर उनके दिमाग में साफ है कि किसे बनाया जाएगा, लेकिन इस बात को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही जानते हैं। कयास कई तरीके के लग रहे हैं, ऐसा नहीं है एक नाम है, 8 से 10 नाम लगातार सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लोगों में चर्चाओं में है। तो जिस नाम का कयास सर्वश्रेष्ठ होता है, वही नाम यदि बन जाता है तो बातें फिट भी होने लगती है। जी ऐश्वर्य, अभी आपने जिक्र किया कि नाम प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में पहले से ही तय हो चुका है, क्योंकि वो खुद राजस्थान आए थे, लेकिन जब सीपी जोशी मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो वो तो कह रहे थे कि सब कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा, उसी को आधार बनाकर उन्होंने बयान दिया। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड नामों पर सहमति देता है। यदि पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक किसी एक नाम का चर्चा कर दिया जाए, एक नाम का जिक्र कर दिया जाए,
और उस नाम को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी है भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये आज की तारीख में सर्वे सर्वा है और पद के लिहाज से देखा जाए तो भी सर्वे सर्वा है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो भी नाम प्रधानमंत्री मोदी जिस नाम को भी सर्वश्रेष्ठ समझेंगे उस पर मुहर लगना तय होता है। ऐसा नहीं है कि कोई विरोध करे या कोई इस बात से इनकार करे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सर्वमान्य नाम है, इस बात में कोई संशय नहीं है। स्वयं ही अपने आप में एक बड़ा नाम है। और ये भी तय मानकर चलिएगा, मैं एक और अपडेट अभी दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, दिल्ली का इस बार राजस्थान की सत्ता में बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहेगा, वो भी कंट्रोल में रखना चाहेंगे, जिससे कि राजस्थान की स्थितियां, जिनको लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार अशोक गहलोत पर आरोप लगाते रहे थे और उसके बाद गारंटी देकर गए थे, कई गारंटियां देकर गए थे कि अपराधी जो है वो उन पर लगाम लगाई जाएगी या पेपर लीक नहीं होंगे, माफिया जो है वो अंदर होंगे। तो ये भी तय मान कर चलिएगा कि दिल्ली है वो लगातार पैनी नजर राजस्थान पर रखेगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, जिस तरह से आपने कहा कि इस बार जो आलाकमान है, जो दिल्ली है, उनका हस्तक्षेप मरुधरा में देखने को मिलेगा, वो इसलिए भी क्योंकि हम अगर पिछले चुनावों की बात करें, जो पिछला इतिहास रहा है राजस्थान का, तो हमेशा जो चेहरा होता है वो पहले घोषित किया जाता है और उसके आधार पर चुनाव होते हैं। लेकिन इस बार अगर कोई चेहरा था वो था कमल का फूल और प्रधानमंत्री मोदी। तो ऐसे भी क्योंकि अब जो चेहरा है वो आलाकमान घोषित करेगा, आलाकमान के हाथ में सब कुछ है, तो ऐसे में जो हस्तक्षेप है वो तो देखने को बिल्कुल मिलेगा यहाँ पर। देखिए इंदु, चेहरा घोषित करने की जो बात होती है कि चेहरा घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, तो चेहरा उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें, उत्तर प्रदेश में भले ही योगी आदित्यनाथ स्वयं मुख्यमंत्री थे तो उनका चेहरा था, राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री नहीं था, तो राजस्थान में जब कोई मुख्यमंत्री नहीं था तो चेहरा स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी रहे। और यही कारण था कि जो भी लीडर जब पूरे चुनाव से पहले राजस्थान में आता था तो वो यही बात कहते थे कि चेहरा हमारा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी है, कमल का फूल है। और कमल के फूल की बात लगभग कमोबेश सभी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी अपने सभा में कह चुके हैं कि सब कुछ कमल का फूल है, कमल के फूल पर ही आप विश्वास करें, कमल का फूल यानी गारंटी मोदी की है। लेकिन चेहरा कमल का फूल मोदी स्वयं खुद नहीं कह सकते कि मैं चेहरा हूं, लेकिन ये सामान्य तौर पर सभी लोग जानते हैं मोदी चेहरा है। अब चेहरा वो अब अपना दूध किसे बनाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो आला कमान का दूत भी होगा, क्योंकि आला कमान चाहेगा यानी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, केंद्रीय नेतृत्व ये चाहेगा कि राजस्थान में जो भी सरकार चले उसे जो प्रधानमंत्री मोदी गारंटी देकर आए हैं आम जनता को, वो सरकार उन गारंटियों पर खरी उतरे। यही कारण है कि कंट्रोल पूरा केंद्रीय नेतृत्व के पास रहेगा, जिसे डबल इंजन की सरकार भी करार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाता रहा कि यदि यहां पर बीजेपी की सरकार आएगी तो केंद्र में भी बीजेपी की, यहां पर भी बीजेपी की, तो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन काम करेगा तो रिजल्ट जो है वो बेहतर आएंगे। लेकिन अभी का इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि लगभग ये तय मानकर चलिए कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है, 9 या 10 को, 10 की ज्यादा संभावना है, और 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त खबर मेरे पास आई है। जी ऐश्वर्या, चूंकि हम सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे कई नाम सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि इस बार जो चेहरा घोषित किया जा रहा है वो पिछले 5 सालों में एक्टिवनेस को लेकर घोषित किया जाएगा कि कौन कितना एक्टिव रहा, या फिर जब वो जिनका, जैसे मान लीजिए कोई विधायक था पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का और उसे अब घोषित किया जा सकता है चेहरा, तो ऐसे में फीडबैक जो लिया गया वो किसके आधार पर लिया गया, काम के आधार पर, एक्टिवनेस के आधार पर, जो जानकारी निकल कर आई, जो फीडबैक निकल कर आया वो किसके आधार पर था? देखिए दीपिका, मुख्यमंत्री जो होता है वो जरूरी नहीं कि पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्तित्व ही हो, राजनीतिक व्यक्तित्व हो और साथ में प्रशासनिक दक्षता हो, दोनों चीजें हैं वो महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी या संसदीय बोर्ड या आला कमान जिसे मुख्यमंत्री बनाएंगे उसमें सभी दक्षताएं होना आवश्यक है। दक्षताओं में राजस्थान को फाइनेंशियली भी संभाल सके, तो राजस्थान की स्थितियों को भी समझे, राजस्थान के बारे में भी जान सके और सभी विधायकों को साथ लेकर चल सके। इसमें भी दो बातें हैं कि मुख्यमंत्री जिसे भी बना दिया जाता है उसके साथ विधायकों को चलना ही चलना होता है, एक नैसर्गिक रूप से विधायक चलते हैं और एक विधायकों को चलाया जाता है, दोनों में भी अंतर है। तो यहाँ पर कई तरीके के चेहरे हैं
उन चेहरों पर अपन हम लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं जिन चेहरों की बात होती है। एक चेहरा है उसको लेकर सब कहते हैं पैरा सिविल लाइन्स यानी वसुंधरा राजे की चर्चा चलती है, उसके बाद ओम प्रकाश माथुर की बातें होती है कि ओम प्रकाश माथुर भी चेहरा हो सकते हैं, उनके पास लंबा अनुभव है, प्रधानमंत्री मोदी की टीम में रहे, ओम प्रकाश माथुर का लगातार हर कोई और पिछले दिनों विधायक उनके पास लगातार मुलाकात करना चाहेंगे। मैं इस पूरी बात को समाप्त भी करना चाहूंगा ये पूरा समझाते हुए। तो फिर तीसरा नाम आता है अश्विनी वैष्णव का, उनमें प्रशासनिक दक्षता। चलिए चलिए ऐश्वर्य, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी।